महाराज कोई रिश्ता विश्ता लाए हो कि बस ऐसे ही मुंह उठाए चले आए? लाए हैं यजमान, बिल्कुल लाए हैं। हमारे पास तो रिश्तों की एक लंबी लिस्ट है। तो महाराज अभी कुछ बताओगे या अभी मुहूर्त उहूर्त निकालोगे फिर बताओगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? नहीं नहीं बताओ कैसी बात है। सुबह से आके बैठे हो, सुबह का नाश्ता कर लिए, दोपहर का खाना खा लिए, 1000 रुपए दक्षिणा ले लिए, प्रभु अब क्या रात का भी खाना खा के जाओगे? अरे आप इतना कह रहे हैं तो रात का खाना भी खा लूंगा। कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अब कुछ भी नहीं मिलेगा, फटाफट रिश्ता बताओ और यहाँ से चलते बनो। अरे यजमान आप तो खामोखा नाराज हो रहे हैं। मेहमान तो भगवान समान होता है, उसका तो सेवा सत्कार करना चाहिए। महाराज मेहमान आए, मिले जुले, खाए पिए और चलता बने, तो मेहमान भगवान समान है। और मेहमान जब जबरदस्ती गले पड़ा रहे तो मेहमान शैतान समान है, समझे? अरे यजमान आप तो पैजामे के बाहर हो रहे हैं। अरे भाभी जी आप इनको कुछ समझाती क्यों नहीं? अरे सुनो। क्या सुनूं है, क्या सुनूं? मेरा मतलब है क्या कह रही हो? आज आप बर्तन साफ करने को रहने दीजिएगा, आज महाराज रात तक रुकेंगे तो बर्तन भी साफ कर देंगे। मम्मी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, वो भी साफ करवा लेना। अरे भाभी जी अभी अभी मुझको याद आया कि कटहल के लिए रिश्ता देखने शाम को मुझे दूसरे खेत जाना है। महाराज सही समय पे याद आ गया, नहीं तो आज तो आपका अच्छा स्वागत होता। अरे अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। प्रभु अब हैं ही करते रहोगे या रिश्ता भी बताओगे? यजमान पड़ोस की रसोई में एक सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न आलू कन्या रहती है, आपके गोल मटोल लड़के के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। महाराज अपनी ही बिरादरी में रिश्ता करना होता तो आपको क्यों बुलाता? अरे 10 जानने वाले अपनी बेटी का रिश्ता लिए तो खुद ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, कोई इंटर कास्ट रिश्ता बताओ। बड़े विचित्र आदमी हैं आप भी, लोग अपने बच्चों की शादी बिरादरी में करना पसंद करते हैं और आप इंटर कास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं। नहीं करनी बिरादरी में शादी, कान खोल के सुन लो, नहीं करनी बिरादरी में शादी। अरे बिरादरी में शादी करने में क्या दिक्कत है यजमान? दहेज, दहेज नहीं देना चाहता कोई, बिरादरी बिरादरी करके सब मुफ्त में शादी करना चाहते हैं। 6 महीने तक निराई गुड़ाई की है अपने लाल की, सबसे महंगी वाली खाद डाली है खेतन माँ, तब जाके ये हट्टा कट्टा नौजवान बना है। और जितना खर्च किया है अपने लाल पे उसका दुगना दहेज में चाहिए। मतलब किसी राजा महाराजा के खानदान की बहू चाहिए आपको जो मोटा दहेज दे सके।